बेहद हैरान करने वाली खबर, T20 वर्ल्ड कप से आई बेहद बुरी खबर, UAE में पिच क्यूरेटर मोहन सिंह की संदिग्ध मौत से सनसनी। क्यूरेटर मोहन ने बनाई थी अफगान न्यूजीलैंड मैच की पिच, भारत के रहने वाले मोहन की मौत का कारण नहीं आया सामने। मोहन सिंह को न्यूजीलैंड अफगान मैच से पहले कमरे में मृत पाया गया। कैसे हो सकता है ये? चलता हूं T20 वर्ल्ड कप से बुरी खबर है, और क्या यह किसी ऐसी संभावना को जन्म देती है जो चिंताजनक है? सीधे प्ले ऑन करें यहां पर। T20 वर्ल्ड कप से बुरी खबर, UAE में संदिग्ध मौत से सनसनी। सीधे लिखना था पिच क्यूरेटर की मौत, अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड मैच की पिच बनाने वाले क्यूरेटर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। यह हैरान करने वाली खबर है। मैं चाहूंगा इनका स्टिल जरा मेरे यहां पर, जो कैमरा मैन रान जी, जरा इनका स्टिल दिखाएं यहां पर। सतपाल जी, यह है मोहन सिंह जिनकी मृत्यु हुई। ये पिच क्यूरेटर थे, ये वो सज्जन थे जिनको बकायदा BCCI ने ट्रेन किया था, ये वो सज्जन थे जो मोहाली में भी पहले वहां पर पोस्टेड थे, ये यहां पर आए। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की जो मैच है, की जो पिच है, वो इन्होंने बनाई और यहां पर सीधे आए। यहां पर अफगानिस्तान से न्यूजीलैंड मैच की पिच, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच से पहले मोहन सिंह को अपने कमरे में मृत पाया गया। क्यूरेटर मोहन सिंह की संदिग्ध मौत की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है, जांच जारी है। पिच क्यूरेटर मोहन सिंह उत्तराखंड में गढ़वाल के रहने वाले हैं। मोहन सिंह ने पंजाब क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में क्यूरेटर बनने की ट्रेनिंग ली थी। मोहन सिंह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सितंबर 2004 में अबू धाबी आए थे। मैं चाहूंगा ये राहुल ग्राफिक्स और विजुअल्स के साथ सीधे चले मेरे साथ भारतीय टीम के फॉर्मर क्रिकेटर और एक बहुत लेजेंडरी विकेट कीपर नयन मोंगिया साहब जुड़ चुके हैं। नयन मोंगिया जी, कितनी शॉकिंग है आपके पास, आपको ये खबर? बुरी खबर है। रेस्ट इन पीस मोहन जी। दुखद सांत्वना उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनकी फैमिली के लिए। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये हाउ इज इट पॉसिबल? मैच शुरू होने से पहले उस मैच की पिच बनाने वाला, उसका मृत पाया जाना, बिल्कुल हैरानी करने वाली बात है। पर अब जांच जारी होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि यहां बैठे बैठे कुछ भी बोलना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। वहां पर जो जांच होगी उसके बाद होगा, उनका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा उनके बाद हमें मालूम चलेगा कि किस वजह से उनकी ये मौत हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।